Namaste and welcome to Urban Chatterati. This is Abhinav Prakash. And today I'm joined by Kumar Shashank, who's doing an extraordinary job in Uttar Pradesh of running the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry to start their business, to become entrepreneurs, to become rich. As we say, being rich is glorious. So Kumar Shashank ji, welcome to the show. Namaskar. Very good evening. Shashank, please tell the audience what exactly the DICKY is, right? Because many people don't know about it. Many people have not even heard the name of DICKY. What does it do? What is the purpose of DICKY? And why there was a need to form a separate chamber of commerce for the entrepreneurs from the Dalit castes? Pehle to sabko namaskar and thank you, Abhinav ji. The way you are uplifting the things of societies jo marginal usme aati hain. I'm very thankful कि आपने ये सोचा कि this is also an idea to broadcast. मैं इसको start करता हूँ. What is Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry? In short, we can say DICCI. DICCI. Look, this was formed. ये सब 15 साल पहले हमारे पद्मश्री मिलन कामले जी हैं, महाराष्ट्र के हैं, पुणे में रहने वाले हैं, जो एक मास्टर के जो है बच्चे हैं. उन्होंने एक सोचिए एक जो है स्कूल मास्टर का बच्चा अगर ये आइडियोलॉजी रखता है एज एन दलित कि मैं एक दलित कैपिटलिज्म को क्रिएट करूंगा. ही इज ऑल्सो इंजीनियर, ही इज अ पद्मश्री और हमारे चैम्बर में देयर इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पद्मश्री ऑलरेडी आर देयर. उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट व्हाट इज DICKY मैं आज वो आपको क्रिएट करूंगा. टू है ये आइडियोलॉजी और ये आइडिया दलित कैपिटलिज्म का, ये मिलन हमारे माननीय मिलन कामरे जी के दिमाग में आया और ये बहुत जरूरी था बिकॉज समाज चेंज हो रहा था, कंट्री इज चेंजिंग, ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग. बट DICKY को जिस तरह से प्रस्तुत किया दलित को जिस हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है, DICKY ने वो फॉर्मेशन क्रिएट करा एक अलग पर्सपेक्टिव देखने का. देखिए, हम लोग पहले भी सारे काम करते रहे, विच इज जो हमारा रहा है. जैसे दलित के अंदर कई कास्ट आती हैं जो ऑलरेडी कुछ कुछ काम कर रही थी, बट अगर उसको कॉमर्शलाइज वेज में देखिए तो बहुत ही स्मार्ट वे निकल आता है. आप कोई भी कास्ट उठा लीजिए, कोई भी कहिए कि किसी कास्ट का पारंपरिक जो रहा है वो आप उठाइए, तो अगर उसको कॉमर्शलाइज चेंज कर देंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा टर्नओवर मूव हो रहा है उसमें. बट उसको इंडस्ट्रियलाइज, उसको रियल नेम या इंडस्ट्री कॉमर्शियल वर्ड को यूज करना, वो मिलन कामले का एक एक्सपेक्ट था. सो ये बहुत प्रिविलेज है कि मैंने यूपी को सर जो है एज एन आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये बाबा साहब के वजह से और मिलन कामले की एक फेथ वैल्यू की वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसको प्रेसिडेंट से मैंने एज एन कोऑर्डिनेटर मैंने इसको ज्वाइन किया था. तो मिलन कामले कम आउट विद दिस सेंटेंस कि जॉब देने वाले बनो ना कि जॉब मांगने वाले बनो. ये हमारे भारत सरकार ने ये लाइन टैग भी करके अपने एमएसएमई में लेके गए हैं सर, इन नेशनल एसएसटी हब. और नेशनल एसएसटी हब का भी जो आइडियोलॉजिकली है दिमाग जो आइडिया है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम मिलन कामले. ये एक्चुअली हमने ब्लैक कैपिटलिज्म से उठाया है. ये बोला जाता है, जैसे मिलन कामले, ऑनरेबल मिलन कामले बोलते हैं कि एक बाग ओबामा जो प्रेसिडेंट बना ब्लैक के, वो कैसे बने, क्योंकि जो ब्लैक कैपिटलिज्म थे ऐसे बराक ओबामा थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब लाखों में एक बराक ओबामा बिजनेसमैन जब खड़े हुए थे तब जाके एक प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था. तो इन शॉर्ट उन्होंने कहा था अगर कैपिटलिज्म में अगर हम सोशली अगर हम आगे इम्प्रूव करते हैं तो दिस इज ओनली अ टेबल जहां से हमें बहुत जल्दी अपलिफ्टमेंट मिलता है या इंक्रीज जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है सोसाइटी की और उससे कंट्री को भी मिलती है. हम यूपी का स्पेसिफिक बात करते हैं, 22% जो है जनसंख्या हमारी यहाँ पे है. अब आप सोचिए कि इसको आपको 22% अगर 1% भी इकोनॉमी इंप्रूव करती है तो वो कितना बड़ा आपका एक परसेंट पर डे अगर इंप्रूव करती है तो सोचिए कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आता है पूरे कंट्री में. तो दलित को रियल स्ट्रीम में ला के कंट्री से ऐड करके इंटरनेशनली उसको इकोनॉमी को ग्लो करना, तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास. हमें लगा कि ये क्योंकि ऑलरेडी सब मेहनती थे. आप कोई भी काम उठाते हैं दलित का तो कोई ऐसा नहीं है कि विच इज ऑन अ टेबल कि आपने कॉपी उठाया, पेन उठाया, यू स्टार्ट डूइंग, बट वो हार्ड लेबरर थे. तो बस उनको इन्फ्यूज करना था रियल इंडस्ट्रीज से, रियल स्ट्रीमलाइन से. तो ये उनका स्टार्ट हुआ सर. आप सोचिए एक मास्टर का लड़का उसने आइडिया लाया जो आज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एज इन अ ब्लैक कैपिटलिज्म वी आर ट्रीटिंग एज दिस इज दलित एंटरप्रेन्योर या दलित कैपिटलिज्म. तो सर इसको इन्होंने 29 स्टेट में, राइट नाउ वी हैव 29 टू 30 स्टेट्स हमारे चैप्टर्स हैं, सारे स्टेट्स में है, यूनियन टेरिटरीज में भी हैं. इंटरनेशनली चैप्टर वी हैव इन जापान, वी हैव यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हमारे पास सारे हमारे चैप्टर्स हैं.
तो दैट इज बिग कॉल फॉर अस कि 15 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसने ना सिर्फ को आत्मसम्मान और एक सेल्फ स्टीम और इंटरनेशनली अपने आप को ग्रो किया, और ग्रो इस लेवल पे किया है कि पीपल आर अटैचिंग। आप सोचिए अभी तेलंगाना में और हैदराबाद में वी हैड अ मीटिंग विद यूएस काउंसलर्स एंड अदर पीपल आल्सो। राइट नाउ वी हैव एंटरप्रेन्योर्स हु एक्चुअली सप्लाइंग टू यूएस मार्केट, ऑल्दो नॉट इन द यूएस मार्केट, दे आर सप्लाइंग टू यूएस डिफेंस आल्सो। तो दैट इज अ बिग कॉल फॉर अस कि सर आज हम ये हैं, और दिस इज व्हाट इन अ शॉर्ट टर्म वी कैन से इट द व्हाट इज दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो दलित जातियों से आने वाले लोग हैं उनकी बनाई हुई कंपनी इंटरनेशनली अब कंपीट भी कर रही हैं, सप्लाई भी कर रही हैं, भारत में भी बहुत सारे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा जब भारत का मार्स मिशन गया था तो उसके भी कई कंपोनेंट्स जो उसमें लगे थे उसमें जो है वो भी जो कंपनी ने दिए थे वो भी किसी दलित ने ही इस्टेब्लिश किया था। तो ये की और अगर आप बात बता सकती हैं कि इस इंडस्ट्री के थ्रू इस मुहिम के थ्रू किस तरीके की इंडस्ट्रीज में अभी दलित समाज से आने वाले लोग मौजूद हैं, और किस तरीके से परिवर्तन आपको थोड़ा जमीन पे देखने को मिलना है, क्या क्या सोशल इकोनॉमिक परिवर्तन इसके कारण देखने को मिलना है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का थोड़ा लेंथी आंसर दूंगा, क्योंकि हमारा दलित को वी एक्चुअली टेक इट एज एन सोशल प्लेटफॉर्म को हम पहले रखते हैं, और हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि दलित को हमेशा जो वो दिखाया गया है उसका रिप्लेसमेंट का रेप्लिका जो दिखाया गया है वो ऐसा है कि बिना कपड़े का होगा, सूखा होगा, काला होगा देखने में, और उसकी जो महिला होंगी वो थोड़ा कपड़े में कम होंगी और बाहर गेट के बाहर बढ़ते। एक्चुअली थिंग्स आर चेंजिंग और ड्यू टू दलित कैपिटलिज्म और रिजर्वेशन हुआ और सब कुछ हुआ, थिंग्स आर चेंज्ड बिट, और अगर उसको बस देखने का व्यू हमें चेंज करना था। हमारे डिक्की का जो सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं गोल है वो सर हम एक टेबल पे ऐसे न्यूट्रल वे में बैठ के बात कर सकते, जैसे बाबा साहब का ही था कि किसी तरह इसको न्यूट्रल करना है। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कॉलम भी था जो वी एक्चुअली इग्नोर, दैट इज इकोनॉमी, और सो यू योरसेल्फ इज अ प्रोफेसर ऑफ दैट। तो इकोनॉमी जो इकोनॉमी थी वो दलित की भी एक थी, तो उस दलित इकोनॉमी को उठा के प्लेटफॉर्म पे लाना, दैट डिक्की हेल्प। डिक्की क्या और भी लोग करते हैं, बट डिक्की थोड़ा गर्मलाइज हो गया क्योंकि वो एकदम उसका आइडिया जो था दैट वाज 100% दलित कैपिटलिज्म। जैसे मैं भी सर जब मैं पढ़ के आया तो मैं CII ज्वाइन कर सकता था, फिक्की ज्वाइन कर सकता था, अदर मोर चैम्बर जो बहुत ही एस्टेब्लिश थे, बट एक वर्ड आता है पे बैक टू सोसाइटी, जो हम कहीं ना कहीं अपने अपने समाज में ये भूल जाते हैं कि वी हैव टू पे बैक। मेरी उम्र भी ऐसी नहीं है, मेनी पीपल सेड कि तुम्हें इसके जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब हम किसी का साथ देते हैं तो आप खुद भी सीख रहे होते हैं व्हाट बिजनेस एंड सोसाइटी ग्रोज लाइक दैट, कि अगर आप किसी का साथ देते हैं तो वो सोसाइटी भी सर्व करते हैं, आप अपना भी घर बचाते हैं उससे। तो व्हाट एक्चुअली डिक्की इज ट्राइंग टू डू, अब इसको हम बताते हैं ये फ्लरिश कैसे हुई। देखिए इसको थोड़ा हम गवर्नमेंट से जोड़ेंगे सर, इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी गवर्नमेंट थी कौन सी गवर्नमेंट नहीं, बट हाँ राइट नाउ द करंट गवर्नमेंट एक्चुअली जो उनकी पॉलिसी थी वो एक्चुअली डायरेक्ट हैंड होल्डिंग थी। वैसे क्या होता था, घूम के आ रही है, हमारा आदमी डायरेक्ट जाता था, एक टेबल पे जाता था, सेकंड टेबल पे जाता था, थर्ड टेबल पे जाता था। अब सीधे वी हैव इंडिविजुअल वन टेबल, वी कैन डायरेक्टली कॉल टू वन पर्सन एंड आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब इसको कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैं सर 2014 में ये सोचा कि अब मेरे को बिजनेस करना चाहिए, तो आई लैंडेड, मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की। मेरे फादर का जो रिटायरमेंट का पैसा था और एक जो है प्लॉट था उसको बेच बाच के किसी तरह वी अरेंज्ड इट। अब देखिए फॉर एन दलित एंटरप्रेन्योर एक ये विश्वास लाना कि यू एक 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 जिसको कहते हैं एक ग्रुप है हमारा जो बोला जाता है अपर कास्ट में कि सिर्फ यही लोग बिजनेस करते हैं, और उसमें आप इंडिविजुअल इंटर करना वो थोड़ा कठिन था, बट हाउ गवर्नमेंट स्कीम्स हैंड होल्डेड एंड उसको कैसे प्रोवोक करके आप एक नए मार्केट में इंटर करते हैं और इक्वल टेबल पे लाके आप लैंड होते हैं। देखिए द वे दे गवर्नमेंट हैंड होल्डेड। क्या हुआ कि सर जब मैं लैंड हुआ तो मैं एक आर्टिकल बनाता था, वो रिटेल मार्केट के लिए था, प्रीफॉर्म्स कहते हैं उसको, पानी की बोतल आप कभी पीते होंगे उसका प्रीफॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। तो जब मैं हुआ तो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के साथ डिक्की का एक कॉलेब्रेशन एक कॉन्फ्रेंस होना था सर दिल्ली में। तो समवन कॉल्ड मी कि आप दलित हैं और दलित का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। तो सर दैट टाइम आई वॉज वेरी न्यू और मुझे लगता था कि शायद ऐसा ना हो जाए कि मुझे मार्केट दलित समझने लगे, थोड़ा डर रहता है। तो बट एक्चुअली
मैं वहां नहीं जा पाया, बट आई पेड माई फीस एंड ऑल, वो सब एस्टेब्लिश हुआ। फिर मिलन सर को बताया किसी ने कि सर देर इज अ बॉय जो जिसने एस्टेब्लिश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर यूपी आए, यूपी में आके उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने वो एक्चुअली ही इज एक्चुअली अ रियल लीडर जो बाइस्ड नहीं है समाज के लिए कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इज यूनिवर्सल, अगर आप उनको एज एन अपर कास्ट भी मिलोगे तो वो आपको वैसे ही राय देंगे जो मुझे दे रहे हो। तो जब वो मुझे मिले तो ही टोल्ड कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, एबीयूपी के कार्यकारी करता है। तो सर उन्होंने मेरे को कई चीजों पे हैंड होल्ड किया कि शशांक देयर इज अ गवर्नमेंट जो हमें हैंड होल्ड करती है, डायरेक्टली करती है, आप उसको पढ़ो। और उन्होंने चाहते तो वो मेरे को डायरेक्ट लूप दे सकते थे, बट उन्होंने मुझसे मेहनत करवाई, उन्होंने मेरे को चलने पे मुझे वो मजबूत किया। उन्होंने सर मेरे को मटेरियल दिया, लिटरेचर दिया, फिर गवर्नमेंट टैग करा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर। तो जब मुझे वहां गया तो आई फाउंड आउट कि दिस इज वेरी गुड। अब वो स्कीम है कौन सी थी, देखिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है सर एमएसएमई की, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की। उसमें सर 100 रुपए की जब खरीद करेगी गवर्नमेंट तो 4 रुपए की वो एससी एसटी और महिला से करेगी, 1% महिला, तो 4% का एससी एसटी से ब्लॉक था। अब मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मुझे लगा कि ये और स्कीमों की तरह है जैसे और यूजुअली गवर्नमेंट करती। तो मैंने इसको डायरेक्टली मैं आईओसीएल में गया, आई रिक्वेस्टेड आईओसीएल कि आई कैन मेक आई एम मैन्युफैक्चर सेफ्टी कैप फॉर सिलेंडर्स जो आप अपने घर में यूज करते हैं, उसको व्हाइट कलर का सेफ्टी कैप आता है। तो अब ये मानेंगे कि मुझे लगता था कि शायद विल टेक कपल ऑफ इयर्स की बातचीत होगी। आप यकीन मानिए कि उन्होंने डायरेक्ट मेरे को फोन नंबर दिया कि आप बॉम्बे जाइए, देर इज अ गुप्ता जी इज ओवर देयर, उनका नाम मैं अभी आगे और बताऊंगा। तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा शशांक आप मोल्ड बनवाइए, मोल्ड बनाने के बाद आप इसका प्रोडक्शन दीजिए और हमसे टेस्ट करवाइए, और आपका जो है जो आपका एक प्री ऑर्डर होता है सर, जैसे आप वेंडर जब भी आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए आईओसीएल इज इंटरनेशनली मतलब अप्रूव्ड मतलब जो है कंपनी, अगर आप उसको सप्लाई करते हो देन इट मींस ये इंटरनेशनली आप किसी भी कंपनी को सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है R&D का और उसको फिल्टर करने का वो इतना स्मार्ट और बढ़िया है कि आप उसको इंटरनेशनली कोई इसरो को तभी कोई आज तक नासा कभी कॉम्पिटिट नहीं कर पाई, द वे इज अ चीपर वे, मतलब वो जो मूव करता है तो उसका इतना बढ़िया आउटपुट है। तो हमने सर वहां पे दिया और वो अप्रूव हुआ। तो आप सोचिए कि मेरे को पता भी नहीं लगा, इट्स इन 25 डेज सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो आई वॉज लाइक शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आई वेंट टू मिलन सर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शशांक एक एक, एक पार्ट और है अफर्मेटिव एक्शन जो हमने ब्लैक कैपिटलिज्म से उठाया था। तो मैंने कहा सर ये क्या है, तो ही सेड कि आप टाटा बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं तो आप वहां जाओ अपना प्रोडक्ट करो और अपने आप को सप्लाई करो। तो मैंने कहा सर टाटा तो रिजर्वेशन में चलता नहीं है, वो सोशल कॉज नहीं लेता है, क्योंकि दैट टाइम वाज वेरी न्यू। तो उन्होंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, यू रिप्रेजेंट डिकी ओवर इन टाटा, आप जाओ। एंड टाटा पीपल आर लाइक कि हमें कभी लगा ही नहीं कि टाटा पीपल आर लाइक सो स्मूथ। अफर्मेटिव एक्शन में उन्होंने मुझे फर्स्ट डे बस बार बॉक्स सिंगल फेस दे दिया। तो आई सेड कि सर आप मुझे कैसे दे रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं शशांक जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और डिक्की इज डूइंग दैट, ये कंट्री के लिए हो रहा है, ये हमारे लिए इक्वली सबको फाइनेंशियली और सबको चांस मिलना चाहिए। सर 22 डेज में मैंने आईयूसीएल को क्रैक किया और यहाँ पे एक हफ्ते में मैं टाटा को क्रैक कर चुका हूँ। अब देखिए एक तो ये स्थिति हुई एक एंटरप्रेन्योर की इंडिविजुअली कैसे लड़ रहा है समाज में, अब वहीं पर मैं आपको उठा के उसको सोशली अपनी फैमिली के लिए लेके आता हूँ। अब देखिए फैमिली के लिए इट्स लाइक आईयूसीएल एंड टाटा इज लाइक वो कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो और तुम घूमने जाना चाहते हो दिल्ली तो तुम घूम के आ जाओ, तुम प्लीज मजाक मत करो कि एक दलित आईयूसीएल को कभी टाटा को सप्लाई करेगा और वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यकीन मानिए कि वो बात मैंने जब तक प्रोटोटाइप निकाल के जब तक फर्स्ट इनवॉइस नहीं हुआ तब तक मेरे फादर ने ये बोला कि ये तो PDF में मैं भी बना सकता हूँ, जिस दिन कुछ करना उस दिन बताना। ये वो अब ये देखिए पुराना ओल्ड एज यहाँ पे आ रहा है और यहाँ न्यू एक इरा है कि जहां पे हम साथ चलने की बात करते हैं, हाउ गवर्नमेंट इज होल्डिंग दैट पार्ट। तो मुझे ये कन्विंस करने में टाइम लग गया कि सर ये ओरिजिनल है। तो जब आर्टिकल आ गया, आर्टिकल बनने लगा जाने लगा, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो कुछ ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने देखिए ओल्ड माइंडसेट में ये है कि दलित मतलब यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम द रूम, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। शायद हुआ भी होगा और होता भी है, ऐसा नहीं है कि, बट कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज आज जो है मार्क्ड कर दिया जाता है और कुछ हमारा ऐसा है कि लोग भी जो निगेटिव देखने वाले हैं वो जल्दी दिखा देते हैं आपको। बट तो मैंने उनको रियलाइज कराया कि दिस हाउ थिंग्स वर्क। तो उनको लगा ये तो बड़ा अपसेट है। तो उन्होंने कहा कि एक दो बार तो हो ही जाता है सबका, कि हो सकता है तुक्के से तुम्हारा कोई कनेक्शन होगा।
तो मैंने कहा नहीं फादर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सर हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान जी का अपॉर्चुनिटी आई, उस टाइम वो ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस में ही वॉज अ मिनिस्टर। 4% प्रोक्योरमेंट डिक्की ने वहां पे सर अपना फर्स्ट स्टेप रखा, और सर जिस उस हमारे वहां पे 22% का रिजर्वेशन है वहां पे बिजनेस में, तो एलपीजी टैंकर को इंट्रोड्यूस करना था। तो दैट डे थोड़ा स्लो चल रहा था बिजनेस, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करा कि सर शुड आई टेक अ लीड इन दिस प्रोजेक्ट, मैं थोड़ा मेहनत कर लूं और मैं दे सकता हूं, यूपी को मैं जानता हूं क्योंकि मैं रहने वाला सर इटावा और रैया का हूं। मेरे मदर फादर ने कानपुर में घर बनाया तो मैं कानपुर में रहा, फिर फादर मेरे लखीमपुर में रहे पोस्टिंग, तो लखीमपुर बहराइच गोंडा यहां तक चला, गोरखपुर तक चला गया, तो मेरा हाफ ऑफ यूपी वॉज ऑलरेडी ट्रेवल्ड। तो मुझे वहां के लोगों की भाषा, लैंग्वेज, खाना पीन, क्या वो चाहते हैं, तो वो दैट वॉज वेरी कनेक्टेड टू मी। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया एंड सर उस टाइम मैं सर वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिक्की था यूपी चैप्टर का, तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि नहीं यू कैन टेक दिस कॉल। तो मैंने सर हम लोगों ने वहां गांव गांव जाके हमने उनको बताया, तो गांव का रिएक्शन ये था कि भैया ऐसा है कि हमारा जो घर है वही एक हमने झोपड़ी बनाई और आप 1 करोड़ का बच्चे को लोन दिखा रहे हो, हमारा तो जो जमीन भी बेच दो तो भी 1 करोड़ रुपए नहीं आ सकते। तो हमने उनको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में बताया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रेस्टीजियस हमारा सर वो है स्कीम है, फाइनेंशियल, एक बैंक एक एससी एसटी और महिला को लोन देगा। आप सोचिए हमारे यहाँ पहले बोला जाता था कि करोड़पति बन जाओ, तो सोचिए सरकार ने आपको फर्स्ट स्टेप पे 1 करोड़ रुपए बिना कॉलेटरल के दे दिया। अब देखिए कॉलेटरल क्या है, हमारा जो बैंक स्टैब्लिश हुआ था या जो भी पास का चीजें चली है वो एक बड़े लोगों के लिए बनाया गया सेक्टर, छोटे लोगों को कभी नहीं बनाया गया या उसको इन्फ्यूज नहीं किया गया रियल इकोनॉमी से। बट जो करंट गवर्नमेंट है उसने उस चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि 22% जनसंख्या यूपी ही है, खासकर और पूरे कंट्री के अप्रोक्सीमेटली 18% और 70% के आसपास, तो उसको देखते हुए उन्होंने सोचिए इतना बड़ा कॉल लिया कि 1 करोड़ रुपए विदाउट कॉलेटरल, जिसके गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली कि हम उसका पैसा क्लियर करेंगे सीजीटी एसएमई में अगर वो फ्रॉड वो होता है। और विश्वास करिए कि इसको मुझे समझाने में 1 महीना लगा, 1 से 1.5 महीना सबको, उसमें से 90% लोग ये कहते रहे भैया हमारे यहाँ बछड़ा नया हुआ है, हमारे यहाँ गाय नहीं आई है, हमारे यहाँ सब बैंक वाले ले जाते हैं। हमने उनको विश्वास दिलाया, घर बैठ के गए। आई हैव ट्रेवल्ड अप्रोक्सीमेटली 55 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, जहां तक मैं जा सकता था या मेरी गाड़ी जा सकती थी और जितना मेरे पास टाइम था, इन 75 डिस्ट्रिक्ट में 55 डिस्ट्रिक्ट आई हैव ट्रेवल्ड। किसी तरह सर हमने अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों को कन्विंस किया, और ये वो 200 लोग हैं सर, इसमें 50% महिलाएं हैं, 50% वो लोग हैं जो सर जिनके पास रियल में आज भी झोपड़ी है। जब उनको 1 करोड़ का लोन पास हुआ तो उनके फादर सर, मुझे ये मतलब रिकॉर्ड में नहीं बोलना चाहिए, तो वो रोने लगे सर कि सर हमने इतना बड़ा कभी फाइनेंशियल नहीं देखा और कभी हमने सोचा भी नहीं। हमें तो हमेशा ये बताता रहा गया कि करंट गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमेशा जो है हमारे अपोज में रहती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं गवर्नमेंट आपके हमेशा सपोर्ट में रहती है, बट बताने या पब्लिसिटी करने वाले लोग जो होते हैं वो उसको इंटरप्रेट क्या कहते हैं या उनकी जो ईगल आय है या उनका देखने का तरीका है वो क्या है और वो बताने का तरीका क्या हुआ। मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, मेरा जो काम था आप तक 1 करोड़ रुपए पहुंचाना, जो सरकार का आपका हक दिया हुआ है वो मैंने पहुंचाया। अब ये आप पे है कि अब अपने बच्चों तक अगर आप एनपीए नहीं करेंगे तो ये अपने बच्चों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये देश का पैसा है। आप इसको अपने घर पे रह के ये सोचिए कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अब देखिए सर ये तो पैसा पहुंचना हो गया, ये एक फाइनेंशियल और एक कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। अब इसका सोशल एस्पेक्ट बताता हूं। देखिए जिस घर में उसके यहाँ टैंकर आया तो उसकी बहन की शादी हुई, उसकी बीबी से अब को ये नहीं कहता कि जाके नल से पानी लेके आओ, उसके बच्चे को कोई चलता फिरता थपड़ी आता नहीं है। यहाँ पे सर एक थप्पड़ मारने को यहाँ थपड़े आता कहा जाता है, कोई थपड़े आता नहीं है। उसकी माँ से अब कोई ये नहीं कहता है कि यहाँ पे कुछ गंदा पड़ा है पोछा लगा दो, क्योंकि अब वो 50 लाख का और 1 करोड़ का मालिक है उसका, और उसका पति जो है अब सार्वजनिक रूप में है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ कॉमर्शियल, दिस इज एक्चुअली अ सोशल ऑल्सो। अब उसकी बहन की शादी एक ऐसे अधिकारी से हो गई जिसको सैलरी मिलती है, एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चे से शादी, इंजीनियर से शादी हुई, क्योंकि उसका एक सार्वजनिक एक तरीका चेंज हो गया। अब उसके घर के आगे दिवालिया होली वो जब खड़ा होता है टैंकर और वो जब पूजा करता है उस टैंकर की और उसके पैर छूता है कि मुझे आप कमा के देते हो, तो सर ये बहुत ही बड़ा चेंज आता है। धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ रहने वाले, मिलन कामले कहाँ के रहने वाले, शायद अगर मैं ऑडिटिंग में जाऊं तो शायद मिलन सर या और बड़े लोगों को शायद नाम भी नहीं पता होगा।
बट एक्चुअली उन लोगों को सर्व किया गया जहां पे हम लोग एक रुपए देने को तैयार नहीं होते, और सरकार ने और इन बड़े लोगों ने उनको करोड़ रुपए वहां तक उनके झोली तक पहुंचाया और वो सम्मान दिलाया करोड़, क्योंकि समवेयर सोसाइटीज वर्क ऑन स्टेटस कि आपके पास है क्या समथिंग, तो वो से सोशली आप सोचिए। अब उसके बच्चे जो कहा जाता था कि पीछे बैठो आगे बैठो, अब वो जब बोलता है कि मेरा फादर ट्रांसपोर्टर है आयुषेल एचपीसीएल बीपीसीएल नौ रतन कंपनी का, ही इज अ पार्टनर एसोसिएट पार्टनर विद नौ रतन कंपनी, तो सर सामाजिक इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब वो जब उस मीटिंग में आया तो कपड़े पहन के आया, अब उसको देखा उसने वहां कोट पहने लोग बैठे हुए हैं, तो पहली बार तो पैंट शर्ट पहन के आया, बट अगली बार उसने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके कोट पहना। अब जब वो पूरा गांव से लेके क्रॉस करता है, बस पे बैठता है या ट्रेन पे बैठता है, फिर वो लखनऊ आता है या दिल्ली आता है, तो उसको चार लोग देखते हैं और ही इज रिप्रेजेंटिंग दलित, तो दे द वे फ्रॉम धोती टू ही कम आउट विद अ कोट एंड थ्री पीसेस एंड फाइव पीसेस, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक सोसाइटी आउटपुट आया। स्टार्टिंग में जरूर उसे कहा गया कि अरे अब तो बड़े बाबू बन गए, तो एटलीस्ट चलो ये वर्ड तो आया हमारे दलित के लिए कि बड़े बाबू बन गए, जो एक विश्वास वाली बात है। उसके बाद उसने तीन साल चलाया, कोविड आया, कोविड में आप सोचिए देर इज अ थाउजेंड ऑफ पीपल हु गेट कोलैप्ड, बट देर इज अ 200 करोड़पति विच इज नॉट कोलैप्ड, नो एनपीए, नो नथिंग, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, एक रुपए भी बैंक का रोक के नहीं रखते, 100% देते हैं। ऑल दो गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प देम, रीस्ट्रक्चरिंग पे लेके गई गवर्नमेंट ने, सही टाइम पे सही कॉल लिए कोविड में, उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करवाया। आप सोचिए कि मिलन सर ने वहां रिक्वेस्ट करी टू आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बैंक्स आल्सो हैड एन एमओयू अगेन कि सर हमें हेल्प करनी चाहिए, तो जो सर 5 साल का था उसको रीस्ट्रक्चर करके 8 साल का कर दिया गया, जो 55,000-60,000 रुपए ईएमआई थी दैट रिड्यूस टू 50%, तो दैट इज अ वेरी बिग कॉल हमें लगता है सोसाइटी में। ये आउटपुट एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, हाउ द इकोनॉमिकली एंड सोशली वी आर हेल्पिंग। या लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात बताया कि सरकार जो है इतना कोविड टाइम में भी काफ़ी काम किया, काफ़ी हैंड होल्डिंग की उसके पहले भी की, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी सरकार का क्या अप्रोच रहा है दलित कैपिटलिज्म के प्रति, दलित एंटरप्रेन्योर्स के प्रति, खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी जी का क्या अप्रोच रहा है? आप मिले भी हैं, आप मिलते भी रहते हैं कई बार उनसे, उनका क्या विजन है, उनका कितना समर्थन रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, ताकि सरकार का क्या अप्रोच है बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे सरकार का अप्रोच होता है वैसे अधिकारियों का होता है, वैसे ही बैंक का होता है, वो सिग्नल तो ऊपर से ही लेते हैं कि किस तरीके की सीरियसनेस है। अब ना सर आपको मैं लिटरली बताता हूँ, आई मेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अप्रोक्सीमेटली 3-4 टाइम, और आप यकीन मानिए मेरे को अपॉइंटमेंट लेने में सिर्फ 2 दिन लगे। मैंने उनके ओएसडी को कॉल किया, रिक्वेस्ट किया, और अगर मैंने बोला कि सर मुझे मिलना है, तो वो सर उन्होंने शायद अगर 24 घंटे तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे 12 घंटे के अंदर रिवर्ट आया। दिस इज वॉट उन्होंने ये स्पेसिफिकली क्लियर किया है। देखिए गवर्नमेंट एक जो वर्क करती है वो इकोसिस्टम पे करती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचिए मैं थोड़ा इसमें भी थोड़ा सा टाइम दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें मदद करी, आप कैरी फॉरवर्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो आपने कहा कि ऊपर से नीचे चलती हैं चीजें। आप यकीन मानिएगा 200 लोगों का फाइनेंस कराना, आपको लगता है कि सर हम अपना फाइनेंस कराने में डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाते, आप विश्वास करिए घर गाड़ी हम लोगों ने ईएमआई पे ली होगी, आप देखिए हालत खराब हो जाती है। तो आप सोचिए कि कई कई ऐसे गांव हैं जहां पे कच्चे रास्ते गए, ऑफिसर्स उन कच्चे रास्तों में जाके डॉक्यूमेंट को साइन करा के लाए। अब इससे ज्यादा एक 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 वो कहा जाता है कि इससे वो भी दलित के घर से, जिस घर के आगे ये बोला जाता है कूड़ा फेंका जाता है, बट एक्चुअली वहां ऐसा पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दिया गया। अब जब बैंक गई सब गया तो ऑब्वियसली सबको साफ होगा, नहीं होगा तो शिकायत होगी, तो वहां ऐसा कुछ नहीं पाया गया। बैंक ने कहा और बैंक के सामने क्वेश्चन आया कि जब गवर्नमेंट वहां SLBC सर एक बैंक में होता है, एक मीटिंग होती है SLBC की जिसमें स्टेट लेवल की हमारे जितने भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो चलती हैं, तो हमारा MOU बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यादव जी, उस टाइम जेएम वो थे, CMD थे, इस टाइम ही गेट ट्रांसफर टू बॉम्बे इसी इसमें, ही वाज फैंटास्टिक, और SLBC में बलवीर जी हैं वहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे एकदम क्लियर कहा था कि अगर कोई महिला है तो उसको बैंक आने की जरूरत नहीं है, ताकि अगर रात सवेरे उसको टेंशन नहीं, आप एक जो है अपना ऑफिसर और एक महिला साथ में आप घर भेजेंगे, उनसे साइन कराएंगे, साइन करा के वो डॉक्यूमेंट क्लियरिफाई करेंगे, ताकि उन बच्चों को वापस दोबारा बैंक या किसी क्लियरिफिकेशन के लिए नहीं आना। आप
चाहिए यहाँ लखनऊ की, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ क्योंकि लखनऊ में तो कोई भी यहाँ से जा सकते हो। तो देर इज एंटरप्रेन्योर नेम विद आरती सिंह। आप सोचिए गोमती नगर का जो है ब्रांच मैनेजर ने एक स्टाफ भेजा, एक महिला भेजी, मैम से वहां साइन करवाया, साइन करवा के वापस गया। इससे पहले कभी आपने ये बात सुनी है किसी के मुंह से? आई कैन चैलेंज यू कि आपने अपर कास्ट में भी ये बात नहीं सुनी होगी कि घर पे साइन कराने आए, और वो भी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जिसको इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ये एंटरप्रेन्योर भी है या ये एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की लाइन में बोला जाता है कि गुंडे या वैसे बड़े लोग रहते हैं। आप सोचिए दलित की महिला तक आज उसमें है और शी इज रनिंग देयर बिजनेस लाइक एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतना बढ़िया दे आर रनिंग आउट। तो सर दिस इज द स्मॉल एग्जांपल। ये फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, सर महिला तो घर से निकलने नहीं, हम बैंक ने नहीं कर। और वही सेम जो अगर बच्चे थे जो नए एंटरप्रेन्योर्स या यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको आप सोचिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो वो बैंक असिस्टेंस और प्लस हम लोग भी, हमने उसको अब तुरंत उसको मतलब हमने रिक्वेस्ट करके 10 दिन के अंदर उनका पैन कार्ड बना, 10-10, 15-15 दिन में हमने रिक्वेस्ट करके खुद जलवा के। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। मुख्यमंत्री जी ने जहां पर भी हो सकता है वहां हेल्प करी। उसके बाद सर कुछ दिनों बाद हमने वहां उनको पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई कि सर सभी, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सभी जो है जितने स्टेट्स हैं वहां पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है दलित के लिए, वो इंट्रोड्यूस करी हमने। सर 23 पॉइंटर्स की हमने उनको पॉलिसी लिस्ट दी। अब आप कहोगे 23 क्या है? इसको सीड कैपिटल से नेशनल, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, उसमें तक आप दलित आज डायरेक्ट यूपी के बिहाफ पे डायरेक्ट जा सकता है उस पॉलिसी के लॉन्च होने पे। और आपको मैं बता दूं सर, ऑन 29, 30, 31 मुख्यमंत्री जी हमारा एक एग्जीबिशन ट्रेड फेयर अवेयरनेस प्रोग्राम एक एनोग्रेट करने वाले हैं, उसी में ये पॉलिसी लॉन्च भी होगी, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टैंड अप इंडिया में 25% या अदर फाइनेंशियल उसमें आपको सब्सिडी मूव होगी, आपको कैपिटल सब्सिडी मूव होगी। और मैंने आपको बोला कि अगर आपका बच्चा यूपी में है और अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहता है, उसकी भी हैंड होल्डिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप फ्रंट करी है सर। आई वेरी थैंकफुल टू नवनीत सहगल ऑल्सो सर, ही इज वेरी डायनेमिक IAS जो सर हमारे MSME को प्रिंसिपल सेक्रेटरी में, उन्होंने कभी भी हमने पिछले साल जो है हमने जब ये प्रेजेंट किया था पॉलिसी, उन्होंने इमीडिएट 20 मिनट्स के अंदर एक तुरंत उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका मेंबर मैं भी हूँ, एंड दैट्स अ वेरी प्रोग्रेस पॉइंट कि मैं SST इंडस्ट्री पॉलिसी का एक जो है मेंबर हूँ बनाते टाइम पे। उन्होंने तुरंत 3 ज्वाइंट कमिश्नर और खुद उस जो है क्या बोलते हैं कमेटी को चेयर किया और उसको इमीडिएट बेसिस पे पास किया और ये कहा कि इसको इमीडिएट लैंड करना है, लॉन्च करना है कैसे भी करके। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्किंग इन यूपी। हमें अभी तक कोई समस्या नहीं है, बट वी ऑल्सो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो आप ही केस पे कि सर ये 22% लोगों ने बहुत मेहनत करी है और ये कभी भी किसी डिस्प्यूट में नहीं रहे, कभी भी वी आर नॉट लाइक पर्सन कि हमें कभी रोड पे आना पड़ा। सर हम हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे, वी ऑलवेज फॉर द कंट्री। हमें बाबा साहब ने कहा कि सर उस समाज के आदमी बनिए जहां पे प्रोडक्टिविटी पहले होता, काम पहले करिए फिर डिमांड बाद में करिए। तो वी आर ऑलवेज अ पीपल जिसने डिमांड बाद में रखी है, काम पहले करके दिखाया। आज हम और आप बात कर रहे हैं तो ये मैं 200 करोड़ एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होंगे सर, वो भी एक इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। मैं अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आयरन में जाऊँ, प्लास्टिक्स में जाऊँ, या मैं फूड प्रोसेसिंग में जाऊँ, फिशरी में जाऊँ, तो मैं इसको एवरेज 50 एंटरप्रेन्योर्स पर ईयर के हिसाब से मैं आपको गिना सकता हूँ। और आपको कहीं सुनने में नहीं आया होगा, कहीं मैगजीन्स में नहीं सुनने में आया होगा, बट दे आर एक्चुअली अब ट्रू। ये एक हिस्ट्री है और 29, 30, 31 को जो हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, SC ST एंटरप्रेन्योर्स का एग्जीबिशन किसने सोचा था कि वो भी यूपी में होगा और ये जिसको सिर्फ वोट की तरह देखा जाता था और वोट के टाइम पे ही याद किया जाता था, नाउ दे आर मेकिंग अ इकोनॉमी मूव। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी मूव होंगे अगर यूपी को इंडिविजुअल भी रखेंगे तो एक छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े कंट्री को आप भी थोड़े दिनों बाद टच करेंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी बहुत बड़ा बूम था एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए एक्सप्रेसवे सबने बनवाया, आप उससे ज्यादा जानते हैं, बट उस एक्सप्रेसवे में आपके बच्चे ने क्या योगदान दिया? आप सोचे, एवरीवन सेज व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन एक्सप्रेसवे। आज एक दलित ने, और देखिए सबने बनाया, बड़ी कंपनीज को ठेका दे दिया और वो बना लिया, दोनों ही सरकार में पास किए। इस सरकार में आपके बच्चे को चांस मिला कि गिट्टी सप्लाई कर सके, मोरंग सप्लाई कर सके, स्टील सप्लाई कर सके। कैसे आप बोले योगी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बने उसमें चांस मिला, कैसे बना, मतलब क्या चांस मिला उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता है ना बात। ये PWD का, हमारे यहाँ PWD का एक पॉलिसी लॉन्च हुई जिसमें दलित एंड बैकवर्ड को ये चांस दिया गया कि आप ठेकेदारी में आप डायरेक्ट इन हो सकते हैं।
तो सर एक जब विंडो मिलती है, जैसे हमें मिला 20% का, 5% का विंडो मिला कि आप 4% का कि आप डायरेक्ट इन, तो 4% में क्या होता है कि आपको उतना तो परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट के पास ये जाएगा कि सर SC ST को एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंड वी वर देयर, हमने वो एंटरप्रेन्योर्स उनको हैंड होल्ड कराए, जो ठेकेदार थे, छोटे ठेकेदार थे, जिन्होंने जो पहले बेचारे घरों के आगे जो है वो ईटा बिछाते थे, जो मतलब खुद खुद वो मिस्त्री करते थे, वो आज ठेकेदार हमने क्रिएट करे। तो हम वो लोग हैं जो मजदूर से मालिक बने, और इस सरकार ने उस मजदूरी को कन्वर्ट कराने का काम किया, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी। आप सोचिए आज हर आप जिले में जो आपका नगर निगम है या जो प्रधानी है, उसमें अब दलित, इस दलित का जो रोल है वो अब ये नहीं है कि सिर्फ कि जो है स्पेसिफिक चीजों तक सिमट के रहना है, ही इज कमिंग इन टू LEDs, ही इज कमिंग इन टू पाइपलाइंस, ही इज कमिंग इन टू रियल स्टेट, ही इज कमिंग इन टू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आप सोचिए एक्सप्रेस वे में उन्होंने मिट्टी सप्लाई करी तो ही बिकम्स अ करोड़पति, सिर्फ मिट्टी। उन्होंने दो तो तीन तीन ट्रक करे, उन्होंने गिट्टी मोरंग करा। आप सोचिए जो कहते थे नहीं नहीं इसमें तो इंटर हो ही नहीं सकते, बट एक्चुअली दिस गवर्नमेंट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अस कि आप 4% में आप उसमें इंटर हो सकते हैं। तो एक्सप्रेस वे सबने बनाया, वो अच्छा भी बनाया, बट इसमें हमारे बच्चों का खून पसीना लगा है। तो जो चीज हम खुद बनाते हैं उसके अप्रिशिएशन सर बनती है, इतना तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हमने तो वी कैन एक्चुअली राइट नाउ से कि एक्सप्रेस वे हमने भी बनाया, जितना पार्ट बड़े लोगों का है उतना हमारे घर में। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज मेकिंग द ग्राउंड लेवल पीपल टू कम आउट ऑन अ टेबल। ये बड़ी बात है कि आप बता रहे हैं कि मजदूर से मालिक बनने का जो रास्ता है, इसमें सरकार का साथ है, सरकार का सहयोग है, ये बड़ी बात है। नहीं तो सरकारों का जो रवैया रहा है भारत में इन जनरल भी, और खास में दलित समाज के प्रति, वो ये कि कुछ थोड़ा बहुत दे दो, वोट ले लो, कुछ तीन चार वादे कर दो चुनाव में और कुछ वोट ले लो, उसके बाद भूल जाओ, उस बात कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं होंगी शशांक जी, आप प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, रोजमर्रा में दिक्कतें आती होंगी, लोगों की समस्याएं आती होंगी। तो सरकार को नीतिगत स्तर पर, सरकार को पॉलिसी लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे और क्या करने की आवश्यकता है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स अगर आप बताएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। देखिए एक बात समझे सर, ब्यूरोक्रेसी अभी थोड़ी पुरानी है, वो अपना टाइम लेती है सर। देखिए सरकार हमारी योगी जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो स्कीम्स लैंड पे आई हैं, उसका एक प्रोसेस एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल होता है सर। जब आप कंफर्टेबल रहते हो, अब आपको काम करना पड़ रहा हो, तो सर वो एक्सेप्टेंस कि नहीं मुझे काम करना पड़ेगा। पहले तो सर क्या होता था कि आई शुड नॉट टेल दिस और शुड नॉट कम आउट विद दिस थिंग, कि पहले कंफर्टेबल चल रहा है, अपना काम चलते रहने दो, वही लिमिटेड लोग हैं, 10 लोग जिनके थ्रू काम चलता है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक्चुअली इस सरकार ने विंडो बनाया, ऑडिटिंग सिस्टम बनाया, अपने नए ऑफिसर्स को बिठा ला, तो वो जो इकोसिस्टम बना हुआ था पिछले 10-15 सालों में, वो सर डैमेज हुआ है। तो अब सब बुरा तो लगेगा ही, वो तो बुरा लगेगा, और फिर उस सिस्टम को स्वैट डाउन करके एक अलग तरीके से एक नया सिस्टम बिठाना जिसमें सबका साथ हो, तो सर बुरा तो लगता ही है। जब सब लोग एक टेबल पर बैठेंगे तो फिर उनकी फिर कहाँ वैल्यू हो रहेगी सर। जो ये दलाली सिस्टम या ये ठेकेदारी सिस्टम था, दैट हैज बीन वो स्लो डाउन आ रहा है अभी सर। अगर हमें 5 साल और मिले तो यू विल फाइंड कि मैं शायद इस टर्म्स की जगह मैं शायद 2 लाख आपको बोल सकूंगा एंटरप्रेन्योर्स हमने मूव करे, जो 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 इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि मतलब वो हमें सुनती है, हमें उसका पार्ट बनाती है। आप सोचिए कि लखनऊ में अगर ये एग्जीबिशन होता तो मैं आपसे कहता है कि ये थोड़ा टाइम पास हुआ, बट बनारस हो रहा है। काशी में मुख्यमंत्री जी खुद डायरेक्ट चल के अगर आएंगे तो वो दलितों के लिए तो आ रहे हैं सर। आप सोचिए सर, वेरी मुख्यमंत्री खुद, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसके आएंगे चार कमाज, इससे पहले आपने कभी सुना कि जो है दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए या एक मजदूर जो मालिक बने हैं उसके लिए मुख्यमंत्री यहां से बनारस या काशी गए और वहां पे टाइम दे रहे हैं? दैट्स अ वेरी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये साइकोलॉजिकली समझने वाली बात है कि नहीं तो फिर आप कहीं पर भी कर सकते थे। तो दिस इज हिस्ट्री कॉल, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, यूपी की हिस्ट्री में, कि ये मजदूर से जो उठ के जो है जो मालिक बने उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया और उन्होंने खुद बनाए उनको, उनके बोलने के बाद जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, जो पॉलिसी लॉन्च हुई उसके बाद ये लोग बने। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है शशांक जी, जैसा कि हम बात सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो डिकी उस बात को पूरा चरितार्थ कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी क्रिएट कर रहा है और प्रयास भी कर रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, सारे डिकी के मेंबर बधाई के पात्र हैं। और ये जान के कुंवर जी बड़ा अच्छा लगा कि सरकार और खासतौर पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, वो कितने प्रोएक्टिव हैं इस बात को लेकर कि
जिस समाज में जिसके साथ बराबरी का बर्ताव भी नहीं होता था, अभी भी बहुत जगह नहीं होता है, उसके लिए इतना प्रोएक्टिव है कि उसको किस तरीके से संपन्न बनाया जाए, किस तरह से अमीर बनाया जाए, किस तरह से उसको बिजनेस में लाया जाए। और देखिए, बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के कोई सामाजिक न्याय भी नहीं होता है, ये बात तो आपको समझनी होगी। लेकिन शशांक जी, आप आए, आपने चर्चा की, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी पर्सनल बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को, लोगों को सुना की बातें बार बार सुननी चाहिए, जाननी चाहिए कि परिवर्तन क्या आ रहा है, उसका क्या प्रभाव होता है, ताकि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है देश में, उससे भी बाहर निकल के आवश्यकता है, नेगेटिविटी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर, एक्चुअली अच्छी चीज बड़ी देर बाद दिखाई देती है, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेंथफुल होती है ना, ताकतवर होती है, कॉन्क्रीट होती है सर, उसको जल्दी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, मतलब जो सुनेंगे इसको और जो नहीं भी सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे सर, कि आपने इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने को सोचा सर। आई एम वेरी थैंकफुल सर, कि हम लोग मैगजीन्स में कम आते हैं सर। थैंक यू शशांक जी, और सभी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन एज अ मेंबर टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड सी यू सून।